कुछ नशे की डोज दे देते हैं, कोई कोई आदमी नशे की आदत है, आदि है, नशे की आदि खुद बनाए जी, नशे आदि खुद बनाए, दारू का ऊपर वोट देगा ना उस प्रकार बेवकूफ आदमी कौन दे, काफी तो सीधी बता देते हैं, नशे का डोज दे देते हैं। सरपंच हो ची कोई भी हो, दारू का लाल दोगे जित वोट दे है, इन्हों कोई कौन दे, एमएलए हो ची, मंत्री हो ची, सरपंच हो ची, मेंबर हो, दारू का लोभ मिलेगा आदमी ने जे जे जित वोट दे है। भाई ये माहौल है, किस तरह बनेगी बात, वो गांव ग्राम में बीच में खड़ा हुआ, बीच गांव का बीच होगा नहीं, हो गांव में भाई साहब मेरे हिसाब से तो 70% बीजेपी का हिसाब रहेगा। 70% को करना था, तला गांव में एमपी वोट मांगने आए थे कौन? नहीं नहीं, खुश है ना लोग, 70-80% लोग खुश है सरकार से। अच्छा, और हर एक वर्ग ने फायदा मिला इस चीज का, चाहे वो कोई भी हो। खुशी क्या की है भाई, खुशी किसी की खुशी भाई? ये लगा लो, नई सरकारी नौकरियां मिली हैं। अच्छा, मेरे गांव में तकरीबन 10 साल के दौरान 50 बच्चे सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है, 50, जो कि पहले आदमी पैसे देला जो भी था उसके हिसाब से राजनीति प्रेशर से बालक सेट होया करते, लेकिन आज पढ़े लिखे बालक है, गवर्नमेंट का सीधा सिस्टम ऐसा हो गया कि बच्चे ने विश्वास है कि वो अपना आप कॉन्फिडेंस आया कि मैं भी सिलेक्ट, मतलब मेरा सिलेक्शन हो जा, ये चीज है। इसके अलावा और माने कोई इसके अलावा 70% इसलिए वोट देगा, ये काम हमारे लिए कर रहे हैं, देश के अंदर भी हमारे लिए साफ नीति से काम कर रहे हैं, मेन चीज ये भी है भाई। और दो चार काम ऐसे मतलब सेंट्रल लेवल के जो करे हैं, जो वर्ल्ड फेमस काम थे, जैसे 370 वाला है, राम मंदिर वाला है, और भाई और भी काफी चीजें हैं। तो जैसे इस चुनाव के अंदर कोई आपके गांव राम के मुद्दे भी रहेंगे और व्यवस्था मुद्दे भी रहेंगे, जिस प्रकार से आपकी अच्छी समाज की धर्मशाला है वो 4 साल से पेंडिंग पड़ी है, तो छात कौन लागे, आपकी फिरनी का रोड है सारा टूटा पड़ा है, गांव में आवा तो बेरा पट्टा की गांव में आए हाँ, और कोई इस तरह की उपलब्धि, कोई इसका अलावा भी हुआ है, कोई और विकास भी दिखा क्या गांव में, कोई एक मिनट आप गांव में कोई रोजगार भी आया है, किसी प्रकार का मिल माल लग गया है, या किस तरह की व्यवस्था बनी है आप लोगों की? ऐसा 70% आपका हक बना है, आप गांव वासी हो, आप वोट कहीं से हमारे पैसे डंगर मरते रहते हैं, कोई जोड़ नहीं है। पानी की व्यवस्था गांव में क्या बनी? पानी की व्यवस्था तो भाई साहब ऐसी मैं बताऊँ, ये पानी की व्यवस्था तो पहले तो आज से 20 साल पहले तो बढ़िया थी। अच्छा, ये गाँव बढ़ने का कारण ये बिल्कुल भीड़ा वगैरह की वजह से जोड़ में गंदगी आने लगी, पॉलिथीन वगैरह गोबर वगैरह सब आने लगे, लेकिन ये जो जोड़ बना है तो उसकी टारगेट गांव से दूर होगा, जो हमारी बनी लागे है वो गौचरागा की, उसमें फिर ये मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी व्यवस्था बनाओ कौन गा, अब चांद पर तो चांद जाना है, कौन गांव के लिए पानी पहुंचाना है, बिल्कुल सर पानी तो वो काम सरकार का तो है, हमारे गांव में पानी की तो बहुत ज्यादा समस्या है, काम बहुत बढ़िया बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया काम किया है, एक पानी की जो है ना बहुत दिक्कत हमारा, अच्छा हर घर में जो है ना सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई को नहीं, सप्लाई को नहीं, और शमशानगढ़ काम सरपंच बहुत बढ़िया गया है, एक नंबर नल टूटी लगे थे, घर घर लगी है, बाकी घर घर लड़के जरूर जा रहे हैं, सब लड़के जा रहे हैं, पहले के पीछे के जा रहे हैं, लड़के लगा दिए, लड़के लाग रहे हैं, पानी आया को नहीं है, लड़के लगा दिए, अभी अच्छी बात है, लड़के पाइपलाइन दब दब के आने लगे, काम चल रहा है, काम चल भी रहा है, बिल्कुल काम चल रहा है, और आपके गांव में कोई और उपलब्धि हुई हो? और तो हमारा भाई सबसे मोटी समस्या तो यह है जी, जमींदारा ने खेतम पानी को नहीं, पानी को नहीं, जमीन का पानी भी को नहीं, नहर का भी को नहीं, सांगा मानियर का पानी आया करता वो जी आज 20 साल से बंद पड़ा है, और मनेरू मानियर से आया करता 10 साल से वो बंद पड़ा है जी, ये सबसे मोटी समस्या है पानी की जी, मेन समस्या तो लगभग पानी की रहेगी, पानी की। तो अब जो नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी प्रकार का हो, उन तक मांग रखी जाएगी, हमारी तो मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है साहब के सांगा मानियर और मान इंडो बैरियर का पानी डाणा के अंदर आना चाहिए, लेकिन जिस अगर ये बेल्ट की बात करा पा मानरू नांगल पुरनपरा कोट फिर घूम के ईशान में आ जाओ डाणा डोना गांव में आ जाओ, बंद डाले जाके आपके और अगले पड़े गाने गांव में चले जाओ, पानी की तरह इतराई है। हाँ जी बिल्कुल है साहब, हमने चाहिए पानी, पानी हमें, कोई भी जमींदार ऐसा नहीं है जो भाई पानी के नहीं, कोई स्टेडियम बना होगा गांव में, बात सुनो आप, जहाँ पे भी नहर निकल रही है बाई टच गांव के ठीक से जो नहर है, पानी महीना में आओ या 20 दिन में आओ तो जोड़ा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उनमें जोड़ में अगर 1 महीना में पानी आ गया ना तो मन मानो इतने बड़े मतलब जोड़ है
छह महीने भी देखने की जरूरत कोनी। अच्छा, ये महारा जो गाँव है टैल से जुड़ा हुआ है और वो टैल से पानी आना बंद हो गया, किन्तु गाँव दूसरे हिसाब का रह गया। आया कर दे 70-72 घंटे पानी तो मनेरू माइनर थे, वो बंद हो गया। वो जमींदार चाहो इस चीज ने एक वो जगमग गांवों की तहत लाइट लग रही गांवों के अंदर कम दिखा रहे हैं। ना ना गांव में लाइट कोई नहीं, वो कदे नहीं लगी। इस पंचायत का पता कौन ही भाई साहब इसका बेरा कौन है? पिछली पंचायत में नहीं लगी, पिछली पंचायत में लगे थे वो सरकार बढ़िया कार्य कर रही ऊपर। हम तो खुश हैं साहब, सरकार तो खुश है, सब जमींदार ना कितने रोड जाके जाम कराना और किमे करा बस। ना तो मैं रिक्वेस्ट है मोदी जी से ना तो मैं खुशी बुझू गांव के अंदर पानी की मोटी समस्या जी, जमींदारों ने पानी नहीं है। ना तो मैं खुशी बुझू ना मैं दुखी बुझू, मैं तो थारे बुझू गांव की व्यवस्था सुने। आप कहोगे मारक के किसान भी त्राई त्राई करे है पानी के लिए, इनके पशु भी त्राई त्राई करे है पानी के लिए, इनके लोग भी त्राई त्राई करे है पानी के लिए, है जी। ये भाजपा के वोटर है और जगमा के तहत बड़े बड़े होल्डिंग लगे हुए हैं गाँव के शहरों के अंदर कि सरकार ने गाँव को जगमा के तहत के अंदर योजना पूर्व बना दिया, लेकिन ये गाँव वाले कहे की हमारे गाँव में किसी खम्भ लाइट को लग रही है। गांव में दोनों पास है लाइन बिछी, लाइन आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, स्कूली साइड में हो गया जी, बच्चे बहुत परेशान है, बहुत दूर से कुछ जाना पड़ता है। आप तो बिना मांगे वोट देने इस व्यक्ति हो इस गांव के 70%। हाँ जी बिल्कुल, बिना मांगे बीजेपी वोट कोई सोचता को नहीं, हट पर काम दूर का बच्चे दुखी पाव है। तीन किलोमीटर काम को करो, हमने बात बता दो जो गांव राम 70% वोट बिना मांगे दे दे है किसी व्यक्ति ने, तो काम करे कौन गा? उन्हें दूर थोड़ी ना सारा दौरान की ये एमएलए मिनिस्टर ये करे काम तो जी हरे का कम है। हां जी कोई सुनाई नहीं चलते तो जी हम गए नहीं सकते भी इकट्ठे हो गए काम आज तक हमारा काम तो रहे जो करते हो ठीक ना करते तो ठीक पानी के गयो दीवाने की में नहीं समस्या ला रही वोट मांगने के लिए आ जाते हैं पर बाद में इन लोगों में से बदबू लगती है कोठी अंदर नहीं पड़ने देते किसी को भी। 36 बिरादरी में कोई भी वोट देता है किसी को 20 साल, उसको बाद में कोठी में पड़ने नहीं देते। बाहर चला बताऊं जी ये मिले वोट मांगने जी तो आ जाए भिखारी डाल मांगना है आओ हने पछ ये यो धर्मवीर जीत्या दो बार जीत लिया और आज तक भी गम में को नहीं आया है संभालन भी को नहीं आया। धर्मवीर दो बार जीत लिया भाई साहब मना आशीष बात क्या हुआ है जब आप 70% लोग इस गांव के वो आदमी नु कहे हम 70% वोट धर्मी ने देवांगे फिर है और मोदी ये बात कह रहे तो वो नेता क्यों आऊंगा आपके पास? मैं तो हूँ मैं आपको दल देखो बताओगे तो नेता क्यों आऊंगा? मैं बताऊं जी समस्या है ना ये सरकार के लगा लो किससे लगा लो ये तो गाँव वाले बेवकूफी पे है आई पर उसने क्यों वोट दे और दूसरे देखे देख ले कुछ नशे की डोज दे देते हैं कोई आदमी नशे की आदत है अधिक है नशे की आदत खुद बनाए जी नशे आदि खुद बनाए दारू के ऊपर वोट देगा ना उस प्रकार बेवकूफ आदमी कौन देगा? काफी तो सीधी बता देते हैं नशे का डोज दे देते हैं सरपंच ओसी कोई भी हो दारू का लाल दोगे जित वोट दे है इन्हों नु कोई कौन दे एमएलए ओसी मंत्री ओसी सरपंच ओसी मेंबर हो दारू का लोभ मिलेगा आदमी ने जे जित वोट दे है इतना जरूर दे रहा जी हमारे गांव से 70% वोट बीजेपी लेकिन दारू के देखो जी बुरा मत माना आप मेरे बुजुर्ग हैं सभी पिता तुल्य हैं इस प्रकार से पूरे देश के अंदर से लोग कसम खाए कि हम दारू के आधार पे वोट देने की बजाय हम दातल पे वोट वहां दें जहां पे सरकार ने हमारे लिए काम कर रखे हो क्योंकि काम के आधार पे वोट दोगे तो भविष्य ये है ना ये भविष्य खड़ा है ये भविष्य उज्ज्वल होगा। अगर आज भी आग पट्टी बांध के वोट दे दोगे या वो एक पैक का चक्कर दोगे किसी और दोगे बच्चा नौकरी तो लाग जाए उसका भविष्य तो ठीक है और जो बच्चा नौकरी ना करे वो इधर उधर की रोजगार की क्या व्यवस्था होगी गाँव के आस पास की कितने लोग है? कोई रोजगार नहीं है जी दीवानी जाओ जा कुंडी कोई कुछ भी करो रिक्शा चलाओ कुछ भी करो वहाँ पर काम है। आपके गांव में उज्ज्वला के कार्ड कितने के सिलेंडर बढ़ रहे हैं? उज्ज्वला के सिलेंडर के तो तकरीबन बहुत बड़े होंगे मेरे ख्याल में होंगे 60-61% तो है 60-70%। अच्छा उज्ज्वला आ रही है? हाँ आ रही है। तो जिस प्रकार से आटा महंगा होगा जिस प्रकार से सिलेंडर महंगे हो रहे हैं डाउन करे हैं तो उस तक तो कोई फर्क पड़ेगा या वास्तव में भाई इनु है वोट मोदी को देना है? फर्क तो क्या पड़ना आज गरीब आदमी तो या आदमी सोच के वोट सोच से भी आपके देश के हित में या प्रदेश के हित में या फिर किस बात के बारे में मोदी जी अगर कुछ भी ना करे वोट मोदी के नहीं करेगा ना वोट मोदी के
वोट मोदी की देंगे मोदी के। हमारे बस यह रिक्वेस्ट है जी, जो संगा मानियर है, मनेरू मानियर है, इसकी अगर आप 50 को तो मोदी तक हमारी बात ये चलो जी, ये तो आपकी बात हो जाएगी। सही बात है, रेलवे का ये रास्ता सुनो जी, रेलवे का रास्ता। हाँ जी, जो साइड के उरली साइड के बहुत ये राशन कार्ड है बंद हो जाए, राशन बंद हो जाए। अच्छा, राशन बंद हो जाए। हाँ, तीन तीन महीने राशन कार्ड देते हैं। मेरा बंद हो जाए, 20 साल पहले बहुत 3 साल की लड़की है, 20 साल पहले बढ़िया फसल होया करती, दांव जमींदार जी रहे थे, और 20 साल के बाद ये पानी बंद हो गया। पहले 3 साल की लड़की है, उसकी इनकम की है 1.5 लाख रुपया। बताओ राशन मेरा बंद हो जाए, ये कोई तरीका तो आम आदमी तो उलझे बैठे भाई साहब, चाहे बीपीएल में उलझे बैठे हैं, चाहे